अभी तो वजन कराया था, नर्स ने कहा था लड़की का वजन कितना कम है। वो तो जल के मर गई थी, तू तो हट्टी कट्टी है। खाना कब खुलेगा, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। मैं साफ साफ बता रही हूँ, चुन चुन कर सिर्फ चिकन की बोटियाँ खाऊंगी मैं, चावल को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी, भूख लग गई है। चुप कर, तू जो खाली बैठी रहती है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, समझी। मैं देख कर आऊँ, किसी से पूछती हूँ ना खाना कब खुलेगा। हरगिज नहीं, मुँह पे कुंडी और नाक पे ताला डाल के बैठ जा। क्या खुशबू है माँ, सुनील आ जा रहा, जाने दो ना। चुप, झूठ मत बोल। अब्बा के हाथ में ना मुर्गी के गोश्त की थैली थी। तेरा कंजूस बाप और हाथ में थैली, नामुमकिन। अम्मा सच बोल रहा हूँ माँ कसम। ए, ये कैसी लुच्चे लफंगों की लैंग्वेज सीख रहा है महल्ले वालों से। कसम भी खाई तो माँ की, कि मरे तो माँ मरे। ए, काय को खटखट कर रहे है? देख रजिया की माँ, तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या? 1.5 किलो मुर्गी है। अब्बा मुर्गी लाए रजिया आ जा, चल बावर्ची खान। कौन सा के मेरे लिए लाए होंगे, गैस बहुत हो रही है। कमबख्त, चल यहाँ से, चल चल यहाँ से, हट। अरे चल कमबख्त। जब से इस खबीज बुढ़िया ने मुर्गियां पालनी शुरू की है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। और तू क्या टुकुर टुकुर देख रही है उस मनहूस को? किसे? अरे तेरी अम्मा मनहूस मुर्गी को। अम्मा से मनहूस तो मत बोलो, एक तो मिस्कीन को इतनी बेदर्दी से उठा के फेंक दिया तुमने। फूफी जान लगती है तुम्हारी, मनुष्य ना कहूं तो और क्या कहूं। आइए भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों के बाद आई आप। तौबा अम्मा, इतना चिढ़ती क्यों हो? एक तो ये बुढ़िया सारे अंडे खुद हड़प कर जाती है, ऊपर से अपनी लफंगी मुर्गियों को मटर गश्त करने हमारे यहाँ भेज देती है। अरे हमने कोई शाही हमाम खोला हुआ है जो सारे दिन इनकी मुर्गियों की बीटे पोतते फिरे? अम्मा एक तो तुम्हें कुछ कहने को मिल जाए, अगर गलती से आ भी जाती है तो इतना भड़कती क्यों हो? बेचारी बेजबान मुर्गी तो है। मुर्गी बेचारी? अम्मा तुझे कभी बेचारी नहीं लगती? अपने बाप की तरह कभी मेरी तरफदारी मत कीजियो। बेचारी हैं तो तुम्हारी दादी, बेचारी हैं तो तुम्हारी फूफी, और बेचारी हैं ये मुर्गियाँ। माफ कर दो मुझे अम्मा, किसी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना दादी से, ना फूफी से, और ना मुर्गियों से। मैं तो बस इसीलिए कहती हूँ कि मौलवी साहब कहते हैं कि हलाल चीज को ना बुरा नहीं कहते। हलाल चीजों को बुरा नहीं कहते, अब आई ना दिल की बात जुबान पर। भूखी ना दीदी चटकोरी, खाने के सिवा तुझे कुछ और सोचता भी है? हाँ हाँ,
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हांडिया की हांडिया मेरे लिए ही पकती हैं, सब मैं ही चट कर जाती हूँ ना। तुम्हारी वो बच्चों की फौज किस लिए? तुझे अल्लाह मौका दे बस काम ना करने का, बातों में लगाना तो कोई तुझसे सीखे। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, हांडी में पकानी है। चल माँ खराब कर दिया, इधर से मुर्गियां उधर से मुर्गियां। रजिया, हाँ क्या 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 हुआ? क्या कर रही है? क्या है, मैं तो हांडी देख रही थी कहीं जल ना जाए। जैसे मैं तुझे जानती नहीं ना दीदी चटोरी, तू बोटी कच्ची चबाने चली थी ना। अम्मा तुम्हारी कसम मैंने तो चखा भी नहीं। मुझे एतवार नहीं है तुझ पे, चेक कर लेती हूँ। एक भी बोटी कम हुई ना तो देखना तुझे काट के हांडी में डाल दूंगी। पहले ही मेरे लाडलों को कहाँ बोटी नसीब होती है। जा लेकर आ भाइयों को जमा करके। हाँ मैं इसी ले रह गई हूँ ना। चलो चलो बहुत खेल लिया, चल चल मजबूत, चल चल तू भी चल पिल्ले, चलो चलो। अरे चलो चलो, छोड़ो छोड़ो, एक तो खाने को मिल रहा है उसमें नखरे देखो इनके। कैसा भाइयों को मुर्गी की तरह दबोचा हुआ है। छोड़ इसका हाथ, बाजू निकल जा था उसका तो। जाओ चलो सिपारा पढ़ने जाओ, जाओ बच्चो। अरे मेरा बच्चा कितना हसीन है रे, चल शाबाश। अम्मा तुम कुछ भूल रही हो शायद। क्या भूल रही हूँ, गिनती गिनती तो आती है मुझे, 1 2 3। क्या खाक गिनती आती है तुम्हें, इतने सारे लाडलों को पैदा करना जरूरी था, फिर एक हाथ कम कर लेती, खाने को तो पूरा पड़ता। बदतमीज कहीं की, इतनी बेहयाई की बातें करती है, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा क्या है? एक बोटी खा लूं। खबरदार, तो फिर क्या करूं? ये हांडी रखी है, इसमें स्विमिंग कर ले तू जा। अम्मा क्या अम्मा का कलेजा भी खाएगी क्या? याद है जब पिछली दफा 5 महीने पहले मुर्गी पकी थी तुमने मुझसे क्या कहा था? मसाला तेज हो गया है। वो नहीं, फिर कहा था हांडी मत चाटियो। ओहो तुमने कहा था कि अगली बार तो मुझे बोटी जरूर दोगी। हाँ कहा था तो, लेकिन ये तो उससे पहले भी कहा था जब साल पहले मुर्गी बनी थी। तुझे अपनी माँ पर एतबार नहीं है? ऐसा नहीं अम्मा, पर तुम भूल जाती हो। अरे चुप कर जा, भूनने दे मुझे मसाला। अम्मा तुम हमेशा यही करती हो, हर बार यही करती हो, 20 मरतबा कर चुकी हो। मुझे तो लगता है मुर्गी मेरे नसीब में नहीं है। तेरा बाप इस साल मुर्गी लाया ही कितनी दफा है, और जब वो लाता है तो तू रिस्क की दुश्मन हो जाती है। तू तो चाहती ही नहीं कि मेरे लाडले खा पी के तंदुरुस्त हों बेचारे। अच्छा वो बेचारे, और मैं जो कमजोर दुबली पतली होती जा रही हूँ उसका क्या? दुबली पतली सारे दिन चारपाई तोड़ती है मुस्टंडी। मैं मुस्टंडी? और जो तुम्हारी लाडलों की फौज पूरा दिन गली में नाचती फिरती है उनका क्या? वही तो कमा कर लाएंगे एक दिन। तेरी जहन्नुम तो कभी भरती नहीं छठी फेल। ओहो स्कूल से उठा लिया वो इल्जाम भी मुझ पर डाल दो तुम। माँ एक बोटी दे दो ना, छोटी वाली। ये ले गर्दन की बोटी। गर्दन
कुछ तो खुदा का खौफ कर लो अम्मा। खौफ भी तू ही खा ले, माँ के लिए कुछ मत छोड़ना। अच्छा चलो यही सही, दिखाइयो जरा एक मिनट। अल्लाह का शुक्र है नमक बिल्कुल ठीक है, वरना तेरा बाप जो है ना पूरा घर सर पे उठा लेता। और मेरे लिए क्या छोड़ा तुमने, सूखा सड़ा सालन? तज़ुल तो मत करो अम्मा। शुक्र मां खाती हुई अच्छी नहीं लगती तुझे? बहुत कुछ है तेरे लिए, मसाला भरा पड़ा है पतीली में, खा लीजो भूखी नहीं मरेगी। और हाँ हांडी मत चाटियो, कट भी चट। ए रद्दी वाले, ए इधर इधर ऊपर, ये क्या हिसाब ले रहा है उर्दू अखबार? उर्दू अखबार 2 रुपए किलो। अरे चल इतनी महंगाई हो गई है 2 रुपए किलो, और नहीं देना दफाओ। तेरी नाक जो है ना बिल्कुल तेरी माँ की तरह है, मजौल है जो सुकड़े बिना दुख जाए। दादी आपको दाल भी ठीक बनाने नहीं आती। अम्मा ठीक कहती हैं, ऐसी दाल है जैसे जेल की दाल हो। अरे शुक्र कर मिल भी गई तुझे, वरना तेरे करतूतों की वजह से ना वाकई जेल में तुझे सड़ी हुई दाल ही मिलती। इससे तो अच्छी होती। अरे तो खुद बना लिया कर ना, आ गया यहाँ मेरे सर पे मुसल्लत होने बिना बताए और ऊपर से ताने तशने। चलो उठ जाके इंटरव्यू दे के आ, इधर तेरे बाबा ने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं भेजा तुझे, उठ। इंटरव्यू नहीं ऑडिशन, हीरो जो होता है ना वो इंटरव्यू नहीं देता। हीरो बन गया ना आप, पीछे पीछे भागेंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए, लिफ्ट भी नहीं कराऊंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे आटे गिलाफ की। अच्छा और ये मुंह और मसूर की दाल, बड़ा आया हीरो बनने के लिए। चल जा, जाते जाते मुर्गियों को दाना डाल देना, कोई तो काम कर ले निकम्मे। कदर ही नहीं है घर की मुर्गी दाल बराबर, जलन तू गएगी। हीरो बनेगा, शक्ल नहीं देखी अपनी मनहूस ने। खाई लेता कम बखत। चरखा बेच रहा है या आलू बेच रहा है? अरे अम्मा इतनी महंगाई में इतना सस्ता आलू और कहाँ मिलेगा? अम्मा आइए सुनियो। क्या हो गया? बाजी बोल। अम्मा सही दाम लगा लो आलूओं का। अच्छा 40 दे देना। अम्मा ले लो जो लेना है, बस घर चलो मैं थक गई हूँ। अरे हाँ जा रहे हैं, दुपट्टा सही कर अपना। क्यों मेरे दुपट्टे को क्या हुआ है? ठीक तो है, कोई मुर्गी का बच्चा तो है नहीं तू, ऊंट का ऊंट है, ख्याल कर जरा। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ना भरे बाजार में कलाबाजियां लगा रही हूँ। नहीं बुरी लगती हूँ तो ले आती ना अपने बेटों में से किसी को। भाई देखो माँ के सामने भरे बाजार में कैसी बदतमीजी कर रही है, कितनी दफा मना किया है, ना किया कर भांड में राशियों वाले करतूत, ना दिखाया कर बाप का खानदान सबको। अच्छा तो आप लोग मिरासी हैं? तभी क्या तभी हैं? हाँ हैं मिरासी हम, बल्कि बना दिए गए हैं हम। अम्मा तुम तो कहीं इज्जत ना छोड़ना मेरी। हाँ ही बड़ी इज्जतदार। तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, कहाँ से ली? तुम्हें क्या है, जाओ अपना काम करो। खाओगी? मुझे नहीं खाना, खुद खाओ। भाई खाना है तो खाओ, नखरे तो मत दिखाओ। देखो मेरे साथ ज्यादा फ्री मत हो। बढ़िया ही मेरा आसन। चल रज़ो। कहाँ गई रज़ो? अरे कहाँ गई रज़ो? कहाँ है ढूंढिया मेरी? अरे मुझे क्या पता, मुर्गी बना और 2 किलो मुर्गी खान साहब के घर भेजना। अबे शादी के बाद बिल्कुल निकम्मा हो गया तू। चाचा मुर्गी कितने की है?
150 रुपए की। हाय ला, पिछली बार तो पूछा था 90 रुपए की थी। अगले बार पूछोगी ना तो यही 250 रुपए की हो जाएगी। अरे रेट तो बढ़ते रहते हैं, तुम लेने की बात करो। मेरे पास तो सिर्फ 12 रुपए हैं, ये मुश्किल से अम्मा से छुपा के इकट्ठे किए हैं। ये मुर्गी है, मुर्गी मूली नहीं है। अब तो 12 रुपए में भूख भी नहीं मिलती। चाचा, इस तरह तो मैं सारी जिंदगी अपने लिए मुर्गी नहीं खरीद पाऊंगी। कुछ तो ख्याल करो, एक दो बोटियां ही दे दो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, पूरी मुर्गी टोल के हिसाब से मिलती है। हाँ। देख लो ना चाचा, फिर भी कोई एक आध बोटी बची होगी। अरे मेरा आसन, तुम यहाँ भी आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या मसला है? क्यों, तुम्हारे बाप की दुकान है? हाँ मेरे बाप की दुकान है बाबा। हाँ मेरी सहदारी पिंकी, बोल बेटा। खबरदार जिसको एक बोटी भी दी तो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। रविया, यहाँ क्यों खड़ी है? बहुत सारे कूदी कूदी फिर रही है, चल यहाँ से। तू, तुझे कोई काम नहीं, मालूम मार के मुंह तोड़ दूंगी। आने दे तेरे बाप को, देख कैसी टांगे तोड़वाती हूँ तेरी। क्या हो गया, किसने काट लिया? हटो बच्चो, दिल जो तोड़े उससे लाफे कामी ना मिलो। हटो बच्चो, दिल जो दुखाए उससे ऐसी बातें ना करो। हटो बच्चो, दिल जो दुखाए उससे ऐसी बातें ना करो। हटो बच्चो, सुनी मिली मिली सुनी दोस्तों वो, सुनी मिली मिली सुनी सारे गाइचो। राम से इत्मीनान से, इजी हो के काम से। इतना फैशन तो कभी तेरी अम्मा ने नहीं किया जो तू करता है। अरे कोई काम भी कर लिया कर। नजर नहीं आ रहा, काम ही कर रहा हूं। ये तेरे काम करने का कोई नया स्टाइल है? जब से तू आया है ना, मेरी मुर्गियां कुड़क हो गई हैं, अंडे तक देना छोड़ दिए। यही हरकतें रही तो ये लफंगी और आवारा भी हो जाएंगी। तारीफ भी घुमा फिरा के करती है। सही कहे ना, स्टाइल खत्म है मुझ पे। चल, इससे पहले कि मैं तेरा स्टाइल खराब कर दूं और बाल नोच लूं ना, जा जाके दड़बे में देख अंडा दिया है कि नहीं। हेलो हेलो, दड़बे में नहीं जाऊंगा मैं। दड़बे में तो तेरा बाप भी जाएगा। उन्हीं को फोन कर ले, आके अंडा दे दे। हैं? मतलब है कि निकाल ले। अब दादा की कीवी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? जा जाके सही से देख, वरना ये तेरे कलगी जैसे जो बाल बनाए ना तूने, हैं, ये सारे नोच लूंगी मैं। बालों की मजाक नहीं किया करे मुझसे। बेगैरती का अच्छा खासा हीरो पता नहीं मुर्गियों में घुसा दिया। Thank you.
अभी तुम लोग कमजोर हो, तुम्हें मैं दाना दो के मोटा मोटा करूंगी, फिर तुम्हारी बनेगी। ओ भंगी, कूड़ा क्यों नहीं लेके गया हमारा? बहुत देर से आने लगा है, चला जाके कूड़ा लेकर आ। कहाँ से आई ये? किसने दिए? किसने दिए? एक कुलसुम, तूने दिए ये? नहीं ठीक है, किसने दिए? जाहिर है, मैं तो अंडे देने से रही, मुर्गी के ही होंगे ना। ए तू तो बिल्ले की तरह हर बात पर झपट्टा मारने को तैयार होती है। अरे कोई तमीज तहजीब है? कभी तरीके से बात कर लिया करो। मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आए हैं ये? आ गए बस। कहाँ से आ गए? वापस कर। क्यों करूँ मैं वापस? इन्हें रखूंगी मैं अपने पास। क्या करेगी इनका? तुम्हें क्या है माँ, जाओ अपना काम करो, मुझे इनको दाना भी डालना है। बड़ी अनाज की ढेरियां लगी पड़ी है ना, जो इन्हें भी पाल लें। रहम कर लो अम्मा, मुंह देखो इनके, इतने इतने से तो हैं, कितना खा लेंगे? वो तो तेरा भी चुहिया सा है, पर तेरी खुश खुराकी अल्लाह तौबा माफ करे, एक दाना नहीं बचता अनाज का घर में। हाँ, इस घर में आज तक जो कुछ आया वो तो मैं ही खा गई हूँ ना, तुम्हारी मूंग की दाल, तुम्हारी माश की दाल, वो जो अलमारी जूती और बिस्तर को उतर गया था ना चूहा, उसको भी मैं ही खा गई थी। पर तुम फिक्र ना करना अम्मा, मैंने अपने खाने का बंदोबस्त खुद ही कर लिया है, मैं इन्हें पाल पोस के बड़ा करूंगी प्यार से, और फिर इन्हें मैं खुद खाऊंगी। खबरदार जो तुमने और तुम्हारे मुन्नो छुट्टो ने नजर डाली है इन पे, तो खा खा के सांड होते जा रहे हैं सारे के सारे। शोर मचा रखा है, पूरा घर सर पे उठा रखा है तूने सुबह सुबह। शुक्र है आज मान लिया कि सुबह है, ये नहीं कहा आज के दिन चढ़े सोकर उठी हूँ। बता रही हूँ उनकी जान को मता, मैं बता रही हूँ, वो आधी रात को रिज्जू को हो गया जुकाम, नाक ठस पड़ी थी उसकी, नहीं पता चल रहा था क्या करूँ। मैंने एक चूजे की यखनी। क्या अम्मा? इतने मासूम छोटे से चूजे की तूने यखनी बना दी। इतनी जालिम कैसे हो सकती है तू अम्मा? बड़ी ताकत होती है चूजे की यखनी में। तूने कौन सा पढ़ा लिखा के उस सदरे पाकिस्तान लगाना था उसे? खाई जाना था ना, बेगैरत चटोरी कटवी चट। मैं जो भी करती मेरा मसला था, वो मेरा और चूजे का आपस का मामला था, मेरी औलाद जैसा था वो, तुमने अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दिया। अरे है तो कौन से सब खिला दिए मैंने, दो बाकी तो हैं। जबान तेरी बड़ी चलती है अपने बाप की तरह। हाँ हाँ, मैं तो कंजूस हूँ ना, तुम जो बोटियां बचाती हो उसका क्या? आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे चूजों पर नजर डाली ना तो देख लेना। हाँ नहीं चाहिए तुम्हारे हराम के चूजे, पता नहीं कहाँ से चोरी करके ले आई थी। अब हराम के हो गए? यखनी बनाते हुए हराम के नहीं थे ना? अरे मैं कह रही हूँ चुप रहे, एक लफ्ज भी तूने बोला ना तो तेरी यखनी बना दूंगी मैं, चल यहाँ से। जा यहाँ से। रिज़ो पापा, शाबाश, बताया तो नहीं ना, कुछ लिया क्या? जब पैसे दिखाना जरा, सिक्के जो दिए थे। हाँ शाबाश, बताया तो नहीं ना। जा शाबाश, खेलो, काम हो गया हमारा, चलो। चूजा सुलेमान की अम्मी सो गई क्या? अरे इनको चुप करा दो, सर दर्द से फटा जा रहा है इनके शोर से। गली में छोड़ दूंगी खेलने के लिए तो कोई उठा के ले जाएगा इन्हें? उठा के ही ले जाए इस नामुराद गट्टू को, बिल्कुल तुम्हारे बाप की शक्ल का है मनहूस। तुम्हें तो वो बिल्लू अच्छा लगता है ना, तुम्हारी माँ की शक्ल का, हर वक्त नाक बहती है उसकी।
मेरी माँ की नाक कब बहते हुए देखी तुमने? कब नहीं बहती थी तुम्हारी अम्मा की नाक? भाई तकिया चादरें और लिहाफ सभी लिथड़े पड़े रहते थे। जिंदा होती तो कफन भी ना छोड़ती, वो तो गनीमत जानो के जनाजे से पहल चल बची। देखो देखो मेरी मरुमा माँ के बारे में फजूल बात नहीं करना वरना। नहीं वरना क्या, बोलो बोलो वरना क्या? वरना अरे तुम तो चुप करो कमबख्त, अभी बताता हूँ। बरा मैं जा रही हूँ सुबह में। अबे चुप हो जाओ, चलो सुकून गारत कर दिया है। चूचू चूचू चाचा घड़ी में चूजा नाचा, घड़ी ने एक बजाया चूजा नीचे आया। बाजी हम लोग इनसे खेल रहे, पास भी आया ना अगर गला काट दूंगी। बाहर रख दो, चीख चीख के किसी को सोने भी नहीं देंगे। दफा दूर मनुष, तुझे इतना मसला हो रहा है वहां जाके सो जा तू। बाजी पागल, ये तो मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ सोएंगे, फिर हम मजे मजे की मुर्गी खाने के ख्वाब देखेंगे। कसम से मुर्गी बहन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, मगर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अम्मा दिन रात मेरी पिटाई ऐसे करती है जैसे मैं तुम्हारी तरह रोज अंडा देने वाली कोई महंगी मुर्गी हूं, मगर फिर भी खाने नहीं देती। तुम्हें दाना तो अपनी पसंद का मिलता होगा ना? अम्मा को तो याद भी नहीं कि कितने बरसों से मैंने मुर्गी की एक बोटी भी नहीं चखी। कितना अरसा मैंने इस लम्हे का इंतजार किया, सोचा था अपने लिए खुद मुर्गी खरीद नहीं सकती, तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो तुम आओगी। इस दुनिया में चोर भी होते हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होती होगी मेरी तरह। अल्लाह मियाँ माफ़ करने वाले हैं, तुम भी मुझे माफ़ कर देना प्यारी मुर्गी, पर ये मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ कब वक्त, मेरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़ मेरी बच्ची को। सुनो, क्या है मेरा हसन, कैसी हो, कहाँ जा रही हो? कहीं भी जा रही हूँ तो मेरी खाला लगती है जो मैं तुम्हें बताऊंगी, और वैसे भी मैं मिरासियों से बात नहीं करती। मेरा नाम रजिया है, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे नाम तो मेरा शहजादी पिंकी है, मगर तुम क्यों इतनी चिपको हो रही हो? उस दिन तो बड़ा गुस्सा कर रही थी। अरे उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, अम्मा से लड़के आई थी ना मैं, फिर मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत और शहजादी जैसी लड़की से मैं लड़ पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन, किधर? अरे तुम शहजादी पिंकी, और कौन, तुम तो वाकई में शहजादी हो भाई। सच कह रही हो? हाँ हाँ, और क्या, दोस्ती करोगी मुझसे? वो तो मैं ही दो हफ्तों से उनके हाथ में आई हूँ। कौन है ये लड़की,
कितना दर्द है इसकी आंखों में। इसे आखिर क्या हमें किस चीज की तलाश है? कहीं इसकी तलाश में तो नहीं? इसे मोहब्बत की जरूरत है। ऐसी लड़की मैं अब आ गया हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी मोहब्बत। अरे चूजा निकल गया। अरे पकड़ ले, दे निकल जाएगा। नहीं हटा इसको, ठुंगे मार रही है। ठुंगे मार रही है, हटा। अरे सुनो तो, ये बात सुनो, वो राशन खत्म हो गया है। तो क्या करूं, नाचूं? नाचना मत, जहर ला दो मुझे, मैं फांक लूं। जहर बहुत महंगा हो गया है। हाँ, चूहे मारने की दवाई से काम चल जाएगा तो वो ला देता हूँ। जितने की तुम दवाई लाओगे ना, यकीनन जाली होगी वो, चूहे भी नहीं मरेंगे उससे पिछली दफा की तरह। हाँ सुनो, जहर खरीदो ना तो पहले खा के खुद टेस्टिंग कर लेना, अगर जो मर गए तो ठीक है, और अगर बच गए तो राशन लेते आना, तुम्हारी अम्मा की बरसी है। मेरी अम्मा ने सारी जिंदगी में इतना नहीं खाया जितना तुमने बरसी मना मना के खा लिया। नहीं है मेरे पास फजूल पैसे, कहा था ना पिछली बार हर दो साल बाद बरसी मनाया करो। है? अरे तुम तो कंजूसी में बिल्कुल अपनी अम्मा हो, वो तो उम्रों में भी कंजूसी किया करती थी, अपनी आधी आधी उम्र बताती थी हीरोइनों की तरह खुद को ऐश्वर्या साबित करने के लिए। अब तुम उनकी आधी आधी बरसियां करके उनको चुन्नी ऐश्वर्या साबित कर दो सबके सामने। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, मरने वालों को तो बख्शवा दो। जरा फजूल खर्ची को मना क्या कर दिया, तुम तो मेरी माँ की आकबत को आ गई। अच्छा बताओ क्या लाना है, और खबरदार कोई फजूल चीज मत कहना, और ना ही कोई महंगी चीज। नहीं लाऊंगा। पुलाव पे फातिया दिलवानी है, मुर्गी का चूजा लेते आना। तो पुलाव के लिए मुर्गी की क्या जरूरत है, मुर्गी के पंजे ले आता हूँ। या अल्लाह, ये आदमी जब सड़क पे चल रहा हो खुला गटर इसको नजर ना आए और ये हमेशा के लिए गायब हो जाए। जाओ यहाँ से। मुर्गी के पंजे ला दूं, चूजा नहीं लाऊंगी। जान निकलती है अम्मा की बरसी पे मुर्गी का चूजा लाते हुए, कमबख्त मर जाओ सबके सब, मैं क्या करूं तुम लोगों का। मार्टी, वैसे शक्ल सूरत के तो अच्छे लगते हो, फिल्म में काम क्यों नहीं करते, हीरो लगते हो। मशवरे का शुक्रिया। सुनो, बड़े ही मगरूर हो तुम, सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और ऐसे ही जा रहे हो। पता है कितने सारे लड़कों ने मेरी दोस्ती के चक्कर में अपनी रग काट ली हाथ के। ये तो तुम्हारी कुछ नसीबी है कि शहजादी पिंकी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। शहजादी पिंकी, ये किस तरह के छिछोरे लफंगे लड़कों से तुम बातें करती हो? बेगैरत कहीं के छत पर आ जाते हैं मुर्गियों को दाना डालने। बनमान कहीं तो। दोस्त वोस्त नहीं है, बस ऐसा ही है। उसकी अम्मा को नहीं जानते तुम, काट डालेंगी तुम्हें। एक बात सुनो, एक काम करोगी मेरा? नहीं प्लीज। नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। तुम्हारी भी कसम से। अच्छा बात सुनो, अब शहजादी पिंकी को इजाजत।
अक्षय के न्यू ईयर दादी क्या बनाएंगी? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आज आप क्या बना रहे हैं? आज बनाऊंगी बारबेक्यू बिरयानी जो कि बोनलेस बोटी के साथ बनती है। मैं बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि बच्चों को जहाँ हड्डी वाली चिकन हो या हड्डी वाला गोश्त हो तो अवॉइड करते हैं। चलो ये बोनलेस, चलो निकलो यहाँ से, चलो चल 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 यहाँ से चल। तो पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी, मसाला लगा के रखूंगी। तो आप बेटा फ्रिज से मुझे चिकन ला दें। इसके चावल हम बॉईल करते हैं, प्लेन चावल राइस बॉईल होती है बिरयानी। रजिया गरम मसाला डाल के बॉईल करते हैं। जा जरा जाके लगाते हैं। लेकिन ये अम्मा हट यहाँ से, टीवी अच्छा लगता है तुझे? माँ अच्छी नहीं लगती? टीवी के पास हर वक्त कोई काम नहीं होता ना मुझे देने को। आने दे तेरे अब्बा को, इसे आज ही गली में फेंकवाऊंगी ताकि तू देख ना सके। तो और क्या करूं मैं? ये टीवी ड्रामे देख कर ना तेरे अखलाक गिर रहे हैं। माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? मैं तो बस दिल बहलाने को देखती हूँ। अच्छा, दिल बहलाने को या जी कुढ़ाने को? चल जाके बावर्ची खाने में इतना काम पड़ा है, सारे बर्तन मैंने, जाकर उठा, आ जा जल्दी से। बोनलेस चिकन क्यूब्स, ठीक है रजिया? दस बार एक बात डरा दिया मुझे। सॉरी, ये लिफाफा देना था। इसमें क्या है? खत। खत? लव लेटर? नहीं नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लेता हूँ। सुनिए, बहुत ही फजूल है आप। शरीफ लड़कियां कोई झट से थोड़ी ना मान जाती हैं। थोड़ा सबर, थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है। लाइए दीजिए। थैंक यू सो मच, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा एहसान। यहां से दे देना। हाँ अच्छा, दे दूंगी। सातवारा लड़का है ना, तो बच के रहना। क्यों, क्या हुआ? मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा, तभी कल गली में खड़ी हुई उससे बातें कर रही थी ना? नहीं नहीं, बल्कि वो तो खुद मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया, कहने लगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कौन, मैं? अरे पागल, तुम नहीं, मैं। तुम में ऐसा क्या है जो उसे अच्छा लगेगा? मेरा मतलब है कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें इस लायक छोड़ा है कि तुम में कुछ अच्छा बाकी रहे। हर वक्त तुमसे काम कराती रहती है, तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं देती। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुझे कौन सा उसको अच्छा लगना है? तो बड़ा बदमाश लगता है, खबीस। वही ना, मुझे देखकर तो उसकी पूरी बत्तीसी खिल जाती है। और अम्मा कहती हैं कि ऐसे लड़कों का कुछ नहीं पता होता, आज यहाँ तो कल वहाँ। ऐसे कहती तो तुम्हारी अम्मा ठीक है, पर तुम्हारी अम्मा तुमसे ऐसी बातें कर लेती है? हाँ हाँ, बल्कि वो तो मुझसे कहती है कि अगर तुम्हारा किसी पे दिल आ जाए ना तो बता देना, उससे तुम्हारी शादी करा दूंगी। तुम्हारी अम्मा की तरह थोड़ी ना जो खुद ही अपनी औलाद की दुश्मन बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लफंगा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाए और तुम्हारी अम्मा तुम्हें अपने सर से उठा के उसके हवाले कर दें। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, पूरा घर उलट दूंगी मैं।
सच कह रही हो ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हो और खुद चक्कर चला लो उससे। मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? ऐसी लगती तो हो, मगर मुझे अपनी दोस्त पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। नहीं करोगी ना? नहीं भाई। पक्का वादा? पक्का। और पड़ोस में तो क्या कहा? लानत। क्या? मेरा मतलब है लानत भेजो उस पर। क्यों? बड़ी लालची है, कहती है कोई अमीर मुर्गा फंसाऊंगी, इस जैसा गरीब थोड़ी। उसने ऐसा कहा? मैं नहीं मानता। वो ऐसा नहीं कह सकती। मानना है मानो, वरना मत मानो। वैसे ही तुम्हारी वजह से खामखा मैं इतना लड़ी उससे, इतना लड़ी कि मेरी खुद की दोस्ती खराब हो गई। फिर क्या? उसने कहा कि इतना ही अच्छा है तो तुम रख लो। तो मैंने कहा ओके। क्या ओके? हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हारा दिल कैसे छोटा होने दूँगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही मेरी अम्मा कहती है मैं तो सोशल लेडी हूँ, बहुत सारा प्यार भरा है मेरे दिल में। ओ हेलो, मुझे तुम्हारी इमदाद नहीं चाहिए, सलाम सत्कार के लिए बचा के रख लो। अरे सुनो तो सही, चलो दे। पागल कहीं का, पागल पागल पागल। अच्छा ये बताओ तुम्हें चूड़ियां कैसी लगी? थोड़ी पुरानी सी हैं, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकती ना मैं। वैसे ही इतनी चूड़ियां आई कहाँ से? तुम्हारी अम्मा तो बहुत ही कंजूस है। अम्मा कंजूस है पर मामू ठीक है। मामू पिछले साल आए थे ना ईद पे लाहौर से, वो ही लाए थे। अब्बा ने उन्हें टिकने ही नहीं दिया, अब वो आते ही नहीं है। वैसे ये चूड़ियाँ जो तुमने पहनी हुई है ना, ये भी बहुत अच्छी हैं। अरे ले लो मेरी जान, तुमसे बढ़ के थोड़ी ना है, वैसे भी तुम्हारे हाथों पे ज़्यादा अच्छी लगेंगी। पक्की वाली दोस्ती ना तो मैं भी निभाती हूँ, तुम्हारे लिए ना जान भी दे सकती हूँ। जान का मैं क्या करूँगी। अच्छा एक बात तो बताओ शहजादी, तुम्हारे घर में क्या क्या पकता है? भिंडी, तुरई, लौकी, टिंडे, सब कुछ। क्या मुर्गी वालों के घर भी दाल सब्जी? मुर्गी भी पकती है, मेरे अब्बा कहते हैं कि मेरी अम्मा से अच्छी मुर्गी कोई नहीं बना सकता। अच्छा, और एक मेरी अम्मा है, इतनी नकचड़ी है कि खाना भी पकाती है ना तो बगैर नमक डाले ही खुद ही कड़वा कसीला सा हो जाता है। मैं ना कल अपनी अम्मा से तुम्हारे लिए मुर्गी पकवा कर लाऊंगी। क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मा क्या सोचेगी कि तुम्हारी सहेली कितनी भूखी और नदीदी है। मेरी अम्मा ना तुम्हारी अम्मा की तरह कंजूस नहीं है, जो घर आए मेहमान को चाय तक को ना पूछे। मेरी अम्मा का तो फूल जैसा दिल है, इतना बड़ा दिल है। तुम ना कल कुछ मत खाना, मैं तुम्हारे लिए मुर्गी पकवा कर लाऊंगी। कल क्या, मैं तो आज भी कुछ नहीं खाऊंगी, बल्कि तुम कहो तो मैं सारी जिंदगी कुछ नहीं खाऊंगी मेरी शहजादी पिंकी। ये क्या चलन निकाल रखे हैं तुमने, हैं? ये इस शहजादी पिंकी का कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है? अजीब लापरवाह माँ है इसकी। तुमसे तो अच्छी ही है इसकी माँ, कम से कम तुम्हारी तरह इसकी माँ नकचड़ी और जल्लाद नहीं है।
तू जो ये कल पुर्जे निकाल रही है, खूब जानती हूं मैं, खूब जानती हूं। मना कर दे इसको यहां आने से। ये शहजादी पिंकी ने तेरी चूड़ियां पहन रखी हैं? तेरे बाप की चूड़ियों की दुकान है जो बांटती फिर रही है? काश होती, अरे काश होती मेरे बाप की चूड़ियों की दुकान, तो उसे बेच के एक मुरही खा लेती मैं। काश होती, अरे अल्लाह काश होती। अरे मेरी चप्पल वापस कर। ये ले मनुस, मेरी ज्यादा अच्छी है। चलो 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 जगह खाली करो। हाँ हाँ जा रही हूँ। चलो 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 चलो, यही टिकी रहती है, आके बैठ जाती है, काम काज है नहीं कोई। भाई मैं दाना डाल दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद डाल दूंगी दाना। और तू कहाँ जा रहा है दाना डालने, और किसे? आपको तो डालने से रहा, मुर्गियों को डाल दूं? चल ज्यादा बकवास ना कर, जा अपने काम पे, मैं खुद डाल दूंगी मुर्गियों को दाना। नहीं खा रहा तो मर कम बखत ना खा। क्या ये ख्वाब है या कोई हकीकत शहजादी पिंकी? सच बताओ, क्या तुम आ गई हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ मैं आ गई हूँ रज्जो जी, पागल। और ये लो, तुम्हारे लिए मुर्गी भी लेके आई हूँ मैं। तुम सालन लाई हो ना, मुर्गी का सालन लाई हो ना? मुझे महसूस हो रहा है, मुझे पता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा शहजादी पिंकी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मारे खुशी के मैं आज मर ही ना जाऊं। अम्मा, अम्मा देख, मेरी सहेली मेरे लिए क्या लाई, मेरी पक्की सहेली शहजादी पिंकी। मैं कहती थी ना बहुत अच्छी है, और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। मैं तो आज रोटी खाऊंगी नहीं, मैं तो खाली सालन का। शहजादी पिंकी, तुम तो मेरे लिए सालन लाने वाली थी, ये जिंदा मुर्गी? वो दरअसल ये हुआ कि घर पे ना मामू और मामानी आ गए, और दो दर्जन बच्चों को भी साथ ले आए। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए बचाने की, मगर अम्मी ने कहा कि अगली बार ले जाना। अच्छा, लेकिन देखो मैं तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारा वादा कैसे तोड़ सकती थी? मैंने सोचा वो पागल भूखी बैठी होगी, मैं फटाफट अब्बा के पास गई और ये मुर्गी जाके ले आई। लेकिन अगर तुम्हें जिंदा मुर्गी नहीं चाहिए तो लाओ दे दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे तुम इतने प्यार से लाई हो, उसकी खैर है, अम्मा पका लेगी, किस दिन काम आएगी। वाकई शहजादी पिंकी तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपना वादा पूरा किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं। बस वो चूड़ियों वाला वादा याद रखना। और सुनो, अपनी अम्मा से कहना सालन जलाए मत, शक्ल से ही फुहार लगती है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। वो क्या है ना कि अम्मी की सालगिरह है, अगर मैं देर से जाऊंगी तो वो उदास हो जाएंगी। अच्छा अपनी अम्मा को ना मेरी तरफ से बहुत सारा हैप्पी टू यू कहना। ठीक है। ए, ये असली है या बैटरी से चलती है? अम्मा तुम तो ना हमेशा शक ही करती रहना। बड़ी हैरत की बात है, वैसे तो ये बड़ी बेहया बदतमीज लड़की है, मगर खैर जबान से दिल का किसको पता चलता है। अम्मा तुम्हें तो मुझ समेत दुनिया की सारी लड़कियां ना बेशरम और बेगैरत लगती हैं। अच्छा वो अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरे लिए मुर्गी पकाओगी ना? ओहो प्यारी अम्मा,
खुद क्यों नहीं पकाती? मैं तो फुअर नजर आती हूँ ना शक्ल से तुझे। अम्मा मैं शक्ल पर नहीं जाती, वैसे भी मुझे लगता है मारे खुशी की ना मुझसे जल जाएगी मुर्गी, और मुझसे तो जिबा भी नहीं होगी। तुम तो माहिर हो काट डालने में। खूब रंग चढ़ा है सहेली का, लाए इधर मुझे दे, और जा जा के चेक कर भाई सब गली में खेल रहे हैं या कहीं और को निकल गए। आलू खा के निकले थे बेचारे, वो भी चखलें जरा सी। अम्मा ये मुर्गी सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी, ये पैदा ही मेरे लिए हुई थी, इसमें नाम लिखा होगा, नाम लिखा है इसमें रजिया सुल्ताना का। अम्मा ये सिर्फ मेरी मुर्गी है, तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों का इसमें कोई हक नहीं है। छोड़ दो, मैं खुद ही पका लूंगी और खुद ही खा लूंगी। अरे हन, अरे छोड़ दे, दे 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 मुर्गी, अरे मैं कह रही हूँ छोड़ दे, मेरी मुर्गी ना मर जा, मेरी मुर्गी, अरे मुर्गी संभल के मार दूंगी तेरे ऊपर मैं। अम्मा हट जाओ। अम्मा बता बता, नहीं तो उतारती हूँ अभी जूती, लगाऊंगी तेरे दो तीन, बता बता। अम्मा तो छोड़ दो मेरा, वो बताएगी, वो बताएगी, हमारे चले जा रहे हैं मुझे काम। अरे अल्लाह क्या तमाशा मचाया हमारा है, आए हाय ए भाई क्या हो गया, पता नहीं रही है मुर्गी, पता नहीं किसको देके आ गई है, कहाँ है मुर्गी बताई तो क्यों नहीं है। ए बहन क्या हो गया, कुछ पता तो चले, यूं महल्ले के कंपाउंड में जवान जहान लौंडियों को मारते पीटते अच्छा लगता है कोई, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बहन, इसने तो बदनाम करके रख दिया है, बाजार जाती है तो घंटों घंटों गायब रहती है, और पैसे अल्लाह जाने किन ऑल फलून लोगों पर खर्च करती है, चूड़ियां भी लेकर आ गई है अब तो, मुझे तो लगता है कि कोई इसको वर्गला रहा है इस डायन को, और मुझे तो लगता है कि आग भटका कर रही है ये। मैं क्या करूं? बता बता रही है कि नहीं, ये उंगली डाल के तेरी आंखें फोड़ दूंगी। अरे होश में तो है? हाँ अम्मा इसी ने ही कहा था मुझे कि जाओ मुर्गी चुरा के ले आओ और मैं तुम्हें चूड़ियां दूंगी। ए निकाल निकाल मुर्गी, अभी क्या अभी चाहिए मुझे मुर्गी, निकाल। ए खबरदार जो बदतमीजी की हो मेरी लौंडिया के बारे में एक लफ्ज भी बोला हो। ये तेरी शहजादी पिंकी है ना बेहया, इसने मुर्गी की लालच देकर मेरी बेटी और मेरे घर को लूटा है, और वो मुर्गी तो तूने खुद भेजी थी मुझे। मैंने भेजी थी? इस कलमूही ने जाकर ना कहा होगा अपने बाप की दुकान पर कि मेहमान आ रहे हैं घर में, उन्होंने थमा दी होगी मुर्गी है? और ये लेके आ गई। वो तो शुक्र करो कि मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता ना चलता ना तो तुम दोनों लुटेरियां हड़प कर चुकी हो तुम मेरी मुर्गी, यही सिखाया तुमने अपनी बेटी को। रजिया चल इसके मुंह पे मुर्गी मारते खींच कर, और ये तेरी शहजादी पिंकी इसको संभाल के रखियो समझी, आ दे तुझे मुर्गी हम, चलो कमबख्तों पर चलो। हाँ हाँ दो, चलो ही चल मुर्गी लेके आ, चूड़ियां वापस करो। अरे चलो हमारी चूड़ियां वापस करे, कैसी बदखलाक ले औरत है, हैं मैं तोहफा देके के लिए वापस करो। मुर्गी तूने खुद भिजवाई थी, हमने नहीं भेजी थी। बड़ी आई चोदारा चूड़ियां, हां चूड़ियां मुड़िया, भले मुर्गी निकालो, चलो पहले मुर्गी तो दो, देख लेते हैं चूड़ियां भी कौन लेगा हमसे। हम मुर्गी देते तुम अंडा दो जाओ, दो मुर्गी हमारी दो। आई बड़ी मुर्गी लेने आ गई ना मुर्गी वापस, अब तू दे किसी को मुर्गी, बताती हूँ तुझे घर में चल, देख तेरी कैसी ठुकाई लगाती हूँ। अरे चल आई चल घर चल। अरियो अरियो बात सुन, जाके चूड़ियां लेकर आ। अरे जब Thank you.
अरे क्या शोर मचाया भाई यहाँ, चलो वहां जाके खेलो। ओहो अब मत आना पूरी रेलगाड़ी यहाँ पर। ये लड़की दाल फेंक रही है या कंकर? मैं लाख जल्लाद सही हूं तो तेरी मां ना, देख क्या हालत बना रखी है, रंगत कैसी पीली पड़ रही है, ऐसे जीते हैं कोई? क्या करूं मैं मां, क्या करूं मैं जीकर, ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी भी क्या बदनसीबी है मां, नसीब लिखने वाले को दुख नहीं होता होगा मेरी ये हालत देखकर? अब ये तो खुदा की तरफ से आजमाइश होती है मेरी चंदा, जी कड़ा करके जीने में ही तो मजा है। आय है जो इतनी आसान होती ना जिंदगी तो सब के सब जन्नत में पहुंचे होते। अम्मा क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? मैं तो बदतमीज बेहाया हूं ना, मेरा जन्नत में क्या काम? ऐसे नहीं कहते मेरी चंदा, ऐसे नहीं कहते, मायूसी कुफ्र है। तुझे पता है जिन लोगों की दुनिया में दुआएं कबूल नहीं होती उनको वहाँ पर ऐसा सिला मिलता है, ऐसा सिला मिलता है कि वो सोचते हैं कि काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल हुई ना होती। जन्नत कैसी होती होगी अम्मा? जन्नत बड़ी हसीन है मेरी बच्ची, बड़ी हसीन है। दूध और शहद की लंबी लंबी नहरें, फल फ्रूट, हरियाली, रेशमी कपड़े, मोर। और मुर्गी, मुर्गी होती होगी ना वहाँ? तेरी सुई बाप की तरह जहां अटक गई वहां अटक गई। ए मुझे क्या पता मुर्गियां होती होंगी जन्नत में कि नहीं होती होंगी, पर ये साथ वाली मनहूस बुढ़िया की ना ये मर्दूद मुर्गियां नहीं होंगी जन्नत में गंद मचाने को। मुर्गियां होंगी ना अम्मा? अरे मुझे क्या पता मुर्गियां होंगी नहीं, मैं गई थी कोई जन्नत में। मैं हूं इम्तियाज, कुछ कहना चाहता हूं। पसंद करता हूं मैं तुम्हें, किसी काम में दिल नहीं लगता, नींद नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह, अब तो फिल्में भी अच्छी नहीं लगती। लगता है मोहब्बत करने लगा हूं मैं तुमसे। लाहौल वाला कुआ था, क्यों कर रही हो ऐसा? छुपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे पता है तुम मुझे देखने आ जाती हो। जब भी मुर्गियों को दाना डालता हूं ना तुम यहीं मिल जाती हो। अरे डरो नहीं, मेरी तरफ देखो। तुमने बात नहीं की ना मुझसे, जान दे दूंगा मैं अपनी, वादा है मेरा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
अम्मा अगर कोई मरता है तो मुर्गी की देख चढ़ाते हैं ना। अच्छा फर्ज करो अगर ये साथ वाली बुढ़िया मर जाए तो? ऐसी बुढ़िया ही नहीं मरा करती इतनी जल्दी। अच्छा अगर इसका जो पोता है वो मर जाए तो? चुप कर। वैसे अम्मा हमारे खानदान में क्या मरने वरने का रिवाज नहीं है? ए तौबा क्या बके जा रही है, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तेरे अब्बा ने ये जो हर एक से लड़ाई लगा रखी है ना, कोई नहीं बुलाता उसे शादी ब्याहों में, अगर कोई बुला भी ले तो सलामी देने के डर से उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, कंजूस मक्खी चूस। वैसे अम्मा जब नानी अम्मी फौत हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी ना। हाँ अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, बड़ा प्यार करती थी तुझसे, बड़ी नेक औरत थी, देखना अल्लाह के यहाँ ये बड़ा महल होगा उनका। हाँ बगैर मुर्गियों का, उनके तो मरने पे भी सिर्फ चने का पुलाव था। चटोरी कटवी चट, तुझे चने का पुलाव याद है? नानी याद नहीं है तुझे? ये क्या तुम मुझे हर वक्त कटवी चट कहती रहती हो? बहुत पहले तेरी नानी के साथ लाहौर गई थी, वहाँ सुना जो तेरी जैसी लड़कियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ चाटती हैं, नदीदी चटखोरी, उनको वहाँ कटवी चट कहते हैं। उनकी शादी पर बर्बादी होती है, तूफान आता है, तू ना चाटा कर हंडियाँ। अब क्या मैं हांडी भी ना चाटूं? मेरी बच्ची जी को मार के जीना सीख, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं जो तुझे हंडियां चाटने और मुर्गियां खाने से मना करूं। मैं तो डरती हूं, पता नहीं शादी के बाद तुझे कैसी ससुराल मिले, तेरे ये नाज नखरे उठाए जाएं कि ना उठाए जाएं। हाँ बड़ी प्यारी बेटी हूं मैं, बहुत नाज नखरे उठाती हो ना तुम। माफ कर दे अपनी माँ को मेरी जान, मैं तेरा ही भला सोचती हूँ, ससुराल में जितना जी चाहे मुर्गी खा लेना, अल्लाह नसीब अच्छे करे। मेरी बच्ची तो मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है, इधर आ इधर आ। मुंह धोया कि नहीं? सही है, जा चल। सुन वो जरा सा आटा गूंद दे, बाप तेरा आता होगा, रोटी नहीं पकेगी तो शोर डालेगा। अम्मा तुम तो ना हर वक्त काम ही कहती रहा करो मुझे, जन्नत में भी जाऊंगी ना तो भी हर वक्त बोलती रहोगी कि काम कर दो काम कर दो। प्यारी रसिया बहुत हुआ, मैं सांक मचोली से तंग आ गया हूँ, मैं मर तो जाता मगर तुम मुझे मरकर भी नहीं मिलती, ओ मरने का फायदा। अभी तक मरा नहीं है मनुष। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खूबसूरत मैं वैसे ही काफ़ी हूँ मगर सीरत का भी बुरा नहीं, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। हाँ क्या हुआ अगर मैं एक बहुत मामूली सा बावर्ची हूँ? हाय ला बावर्ची, मगर मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरी जान तमन्ना तुम्हारा इम्तियाज। क्या दुआ वाकई इतनी जल्दी कबूल होती है? अरे वाह इस वजीफे में तो वाकई बड़ी ताकत है। प्यारे बावर्ची, मेरा मतलब है मेरे प्यारे इम्तियाज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुमने सिर्फ तुमने मेरे दिल का चोर पकड़ा है। मैं नहीं जानती थी कि कोई दुआ कबूल भी होती है। तुम बड़े आदमी मत बनना, तुम जैसे हो जो हो
बहुत अच्छे हो। सिर्फ तुम्हारी रजिया सुल्तान। बड़ी ऊंची उड़ाने उड़ रहा है मुर्गे तो। दादी जवान लड़के पर नजर रखना अच्छी बात, अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। अरे तू तो अपनी अम्मा से भी चार कदम आगे निकला, ये बेगैरतों वाले करतूतिया ना करना अच्छा, अपने घर जाके कर, मुझे नहीं होती तेरी रखवाली। तो कौन कहता है रखवाली करे, अल्लाह अल्लाह करे जाके। ये तेरे बाप ने तुझे सजा दी है या मुझे? तेरी अम्मा से तो मैं एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं होती, तुझे मुस्तकिल मेरे सर पे भेज दिया है। दादी मुर्गियां बोर हो रही हैं आपकी, इनको दाना डालें आप। हाँ हाँ, अब तो मैं इन्हें अकेले ही दाना खिलाऊंगी। तूने जो ये शुतर मुर्गी पाली हुई है ना, याद रखना ऐसे जूते पड़वाएगी ना तुझे, तू बटर गोश्त भी बनाना भूल जाएगा, नानी याद आ जाएगी तुझे। हाँ तो क्या मसला है आपको, नानी याद आएगी, वो तो कब्र से भी प्यार ही भेजेगी। अजाब का फरिश्ता भेजेगी, वो ही रखा होगा उसने वहां पे। सुधर जा और अपनी इस शुतर मुर्गी को भी सुधार, समझे? ये पकड़ अपना जाल, पकड़। प्यारे इम्तियाज, तुमने जो आलू मटर की तरकीब बताई थी वो अम्मा को बहुत पसंद आई। मैं तो उस दिन को तरस रही हूँ जब तुम अपने हाथों से मुझे बनाकर लाहौरी चरगा खिलाओगे। तुम्हारी जान, रजिया सुल्ताना। मेरी रजिया काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। आज हम होटल में चिकन मंचूरियन बनाएंगे। चस चस, मुझे बिल्कुल अपनी दिल की तरह सुलगती सी लगी। अब तो जब कड़ाई से चमचा टकराता है तो यूँ लगता है जैसे तुमने छन से कह कर लगा दिया। वैसे तुम्हें तो चरगा नहीं मिलेगा, पहले मुझसे अकेले मिलो या चिकन पुलाव बनाकर खिलाओ अपने हाथों से। प्यारे इम्तियाज, तुम्हारी बातें मुझे दीवाना बनाकर छोड़ेंगी, भला मैं क्यों पुलाव बनाऊं? बस तुम्हारा इम्तियाज। अरे पगले, तुम काम छोड़ दोगे तो मैं मुर्गी कैसे खाऊंगी? अब मेरा मतलब है हम खाएंगे जिएंगे कैसे? अच्छा मुझे कोई तरकीब सोचने दो। तुम्हारी दीवानी रजिया सुल्ताना। अम्मा, अम्मा, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं तुझे घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। भाई तू साथ चल। नहीं 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 अम्मा, मैं अकेली का हूँ, देखो ना गली में गुल्लू चुट्टू कुत्तू सब खेल ही तो रहे। ए खबरदार, जो भाइयों के बारे में ऐसा बोला, ख्याल से दरवाजा बंद कर लीजियो। और देख, भाई बाप के अलावा कोई और आए, चुपकी बैठी रहियो, दरवाजा मत खोलियो, जो भी होगा खुद ही लौट जाएगा। अब जाके लेट जा वरना कमर का दर्द बढ़ जाएगा। ओए है भाई, तू तो बहुत ही जल्दी में है, क्या मसला? जा रही हूँ, कुंडी लगा लो।
हाय मेरा बटुआ। क्या लाए मेरे लिए? अपना दिल। उसके अलावा चरखा लाए हो? सच्ची तुम्हारी तरह खट्टी और नमकीन। बड़े बदमाश हो तुम। अरे खोल दरवाजा। रज़ो, देख मैं तेरी बकवास में अपना बटुआ भूल गई हूँ। क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे क्या मर गई? अरे खोल। क्या कानों में ठक्कन लगे तेरे जो मेरी आवाज नहीं आ रही थी, दरवाजा नहीं खोल रही थी? अम्मा तुम्हीं ने तो कहा था कि बाप भाई के अलावा कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। आई मेरे लिए भी नहीं, अब मैं अपने घर में खुद नहीं घुस सकती क्या? हट पर है, मुझे बटुआ ढूंढने जाने दे। अरे आए, 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 आए मेरी मुर्गी कहाँ है? अरे मेरी मुर्गी कहाँ है? लो उसकी मुर्गियाँ बिन बुलाए आ गई थी पहले, तो अब ये बुढ़िया खुद ही चली आई। नहीं है तुम्हारी मुर्गियाँ यहाँ नहीं है। सिर्फ मुर्गी नहीं, शुतर मुर्गा भी आया है। हैं? क्या मतलब? होश में तो हो? होश में तू नहीं है, जवान लड़की है तेरी, लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रिंगती। कुछ पता भी है? ख्याली पुलाव बन रहे तेरे घर में। जबान संभाल के बात करना, वरना तो क्या कर लेगी है? क्या करेगी तू? ये जो तेरी गंदी अंडी है ना, इसको संभाल, इसने मुर्गे पालने शुरू कर दिए। पहले वो मुर्गी वापस कर जो मेरा शुतर मुर्गा लेके आया है। कौन सा शुतर मुर्गा? कौन सी मुर्गी? अभी बताती हूँ, हटो, हट रास्ता दे, हट रास्ता दे, हट जा। कहाँ है ये है? कहाँ है? इसका इलाज है मेरे पास, देखना। निकल 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 कमबख्त निकल, ये देख, ये देखो, ये देखो, ए निकल 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 कमबख्त मारे, ये देखो, ये देखो कमबख्त। अरे मुन्ने मम्मू पप्पू टिंकू रज्जू जल्दी आओ, चोर घर में आ गया है। और जूते की पॉलिश लेकर आओ, उसका मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ। अरे जल्दी मारे मनहूस, मनहूस निकल, छोड़ जल्दी करवा दिया तुझे। लड़कियों को खिला खिला, चल चल तेरी मैं खबर लेती हूँ। चल उठ 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 उठ। उइ दादी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? तू जो मेरी बेजबान मुर्गियों के पर नोचता फिरता है वो कुछ नहीं है, अपनी बारी में उइ। मुर्गियों की कदर मुझसे ज्यादा है? अरे क्यों ना हो, वो कम से कम अंडे तो देती है, तू क्या देता है सिवाय टेंशन के? मैं भी देके आया हूँ ऑडिशन, हीरो बन गया ना, आपके लिए मुर्गी का बहुत बड़ा फॉर्म खोल दूंगा, खेलना फिर अंडों के साथ। अंडों में या गंदे अंडों में? ए, मुझे तो लगता है तुझे देख के ना स्क्रीन पे लोग अंडे मारेंगे। दादी तू पैदा हो गया इस खानदान में बड़ी नाक वाला है। अब पैदा हो गया हूँ तो खुद को रोल दू नक्कटे कहीं के? ए, खबीस बाप दादा को नक्कटा कह रहे हैं? बोल बोल जाएगा कि नहीं? तेरा इलाज मैं भी करता। दादू दादू मेरा सांस बंद हो रहा है, दादी मर जाऊंगा। अरे हो जाए बंद तेरा सांस, जाना पड़ेगा समझा है? हाँ करूंगा, सिर्फ हीरो बनने तक। हाँ हाँ जो होगा वो देखा जाएगा, कल से जा कमा के ला और मेरी हथेली पे रख, वरना तेरा खाना पीना बंद। अरे मेरी मुर्गी तो अंडा नहीं देती ना, मैं उसे काट डालती हूँ। तू क्या चीज है पता नहीं, सारा दिन क्या क्या बकता रहता है, ऑडिशन है और आटा गिलाफ है और पता नहीं, अब तक तो कुछ नहीं लाया घर में तू, मर्दूद नहीं तो तुझे कौन हीरो लेगा है? शक्ल देखिए तूने अपनी, बेगैरत नहीं तो निखट्टू कहीं का। अच्छा लौट, पानी भर, आ गया है नल का।
अम्मा तुम बड़ी जालिम हो। उस बुढ़िया के साथ मिलके ना तुमने मेरा ख्वाब पूरा नहीं होने दिया, एक नवाला तक चखने नहीं दिया। उस बुढ़िया की तो ना मनु उसकी सारी मुर्गियां गरक हो, बर्ड फ्लू लगे उसको, बेचारा मेरा बावर्ची। अरे चुप कर, शुक्र कर के लोग ये समझ रहे थे कि वो चोरी करने आया था, वरना तूने तो बड़ा नाम रोशन किया था खानदान का। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान, और ये आसफा खाला को ना मना कर दो, घर भेज दो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। इस्तबूल, घर में मेहमान बैठे हुए हैं। मैं माँ हूँ तेरी, दुश्मन नहीं हूँ। लड़का खाता कमाता है, पढ़ा लिखा है, किसी चीज की कमी होने नहीं देगा तुझे। दूसरी शादी भी तो कर रहे हैं ना, इम्तियाज में क्या बुराई थी? जो एक मुर्गी कमा के ना तुझे खिला सके, तुझ ऊंटनी को कैसे पालेगा वो? अब वो दूसरी शादी कर रहा है तो क्या हुआ भाई, हक है उसका, खाता कमाता है वो, और फिर हर रोज तुझे। ये चरगे खिलाएगा? अम्मा तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? ए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इसको तू तल कढ़ाई रख के अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ के आ जाना, मैं जा रही हूँ। खाना मत, अच्छा अच्छा बात मेरी बच्ची। ए! आए अपनी फूल सी बच्ची को। नहायत नेक लड़की है, और इसलिए तो असलम मियां को लाई हूं मैं। भाई हमें तो आप बहुत पसंद आए हैं, आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। है गलती? अरे किस बात की गलती? नहीं, मेरा मतलब है मुझे यहाँ आते हुए साथ में मिठाई लेके आना चाहिए था। मुझे रजिया बहुत पसंद आई है, और रानी को भी उनकी नई माँ बहुत अच्छी लगेंगी। वैसे हमें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 3 जोड़ों में रुख्सत कर दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। अब मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन मैंने तैयार कर रखा है, किसी एक बहू को भी जहेज नहीं लाने दूंगा। ए माशाल्लाह, लो खाओ। ये क्या है? क्या हुआ? मुर्गी मुर्गी ले जा, ले जा यहाँ से, यहाँ से ले जा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे 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 अबे क्या कर रही हो? असल में सब रिश्तेदारों को पता है, लेकिन शायद मैं बताना भूल गया। बताना भूल गया? अब गलती मेरी है। क्या क्या? असल में मुझे मुर्गी से एलर्जी है, मुर्गी की भू तो मैं सूंघ भी नहीं सकता, खा लूं तो। लो भाई, अब लो लोन पे चक्कर आ गए। अरे तुम बेटा ऐसे करो, इसे क्या हुआ है, संभाल इसे। अरे इसको क्या हो गया है, रोग इसे। खुद ही रुक जाएगी। तुम कैसी माँ हो, तुम्हें इसकी जरा सी फिक्र नहीं है? तुम कैसी माँ हो, तुम्हें इसकी जरा फिक्र नहीं है? ये तुम्हारी फिक्र तो खत्म हो गई ना, तुम्हारा कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। ये मान जाएगी? मान जाएगी। कसाई को देख लूं, वक्त पे गाय मिल जाएगी, तैयार गोश्त मिलेगा। क्यों गाय क्यों, मुर्गियां मर गई हैं क्या? अरे बर्ड फ्लू फैला हुआ है। ये बर्ड फ्लू को भी मेरी शादी पे फैला था। नहीं करनी मुझे शादी, हटो, मुझे नहीं करनी शादी। इम्तियाज को बुलाओ, इम्तियाज। ए खबरदार, उठा मुझे इम्तियाज। अरे तुम तो उठ जाओ, हटो हटो हट जाओ हटो। अम्मा
ये बेगैरत इम्तियाज यहाँ क्यों आया है? तो देख तेरा बाप पकाता, तेरी पसंद की देख पकवाई है मुर्गी की। भाई उसे कोई काम नहीं दे रहा था और उससे बेहतर ना ही हमें नहीं मिल रहा था। और वो कमी, अरे रजिया देख तो इधर तमाम देख, देख इस बेगैरत को, मुर्गियों को ऐसे मसाला लगा रहा है जैसे दुल्हन तैयार कर रहा हो। ए रजिया, आज तो बड़ी हसीन लग रही हो, क्या बात है? अब तो हसीन लगूंगी ना, पैसा जो कमा लिए। एक दफा रजिया बकवास ना कर, दुल्हन बोलती नहीं है। अरे शर्माले शर्माले, आज तो शर्माले बेगैरत। अम्मा एक बोटी तो चखा दो, भूख से बुरा हाल हो रहा है। खबरदार, जो बोटी का नाम भी मुंह पर लेकर आई, तेरी वजह से पहले ही दूल्हा मियाँ को पड़ोस में बिठाया है। अरे वो तो इतना एलर्जी है मुर्गी से कि अगर वो यहाँ आके खुशबू सूंघ लेता ना, यहीं फड़क के मर जाता। मेरे लिए कोई आम गोश्तखोर इंसान नहीं मिलाता तुम्हें और रिश्ता कराने को। चुप कर जा, खबरदार बोटी के बारे में सोचा, मौलवी साहब भी बस आते ही होंगे। शहजादी पिंकी एक बोटी तो ला दे। चोरी? तुम मुझे चोरी करने को कह रही हो? तुम्हें पता है मेरी अम्मा क्या कहती हैं? अच्छी तरह जानती हूँ तुझे और तेरी माँ को, जा। सम्मात रजिया सुल्ताना, दुख्तर शकूर रहमान, मुबलिक 2,00,000 रुपये हक मेहर के एवज आपका निकाह मोहम्मद असलम वल मोहम्मद फाजल किया जाता है, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बेटा एक एक करके बोलो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। बहुत बहुत मुबारक हो आप। मुझे बोटी मिल गई।
मुर्गी मिल गई। बताया मुर्गी कितनी महंगी होती है। पूरे 12 रुपए की खरीदी है मैंने। भाई मुर्गी है, कोई मूली थोड़ी ना है। मुर्गी इतनी सस्ती थोड़ी ना मिलती है, एक दो बोटी थोड़ी ना बची होती है। शादी में आंधी आ गई। मैं तो कटवी चट हूं ना। मैं कटवी चट हूं। मैं कटवी चट हूं। सुन रहे हो साहब, मैं कटवी चट हूं। सब तबाह कर दिया तूने, सब तबाह कर दिया कटवी चट।